हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से स्वादिष्ट चटपटा क्रिस्पी नाश्ता। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस नाश्ता को फ्रेंड आप बच्चों के टिफिन या जब भी कभी छोटा मोटा भूख लगे, चटपटा कुछ खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं अच्छी तरह से छान कर, एक कटोरी पानी लेंगे और चम्मच की सहायता से घोल तैयार करेंगे आटा का। सबसे पहले इस तरीके से एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बेटर में गुठलियाँ हो जाएगा फ्रेंड। तो हम एक कटोरी पानी को डाल दिए हैं, बाद में और दो तीन चम्मच पानी डालेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा है पेस्ट इसलिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटर हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच व्हाइट वाले तिल डालेंगे, इससे नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे नाश्ता एकदम देखने में अच्छा लगेगा फ्रेंड और स्वादिष्ट भी लगेगा। तो घोल हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है, जिस तरीके से पकोड़े के लिए बेटर तैयार करते हैं उस तरीके से। और आलू वाले मसाला बनाने के लिए हम 2-3 उबला हुआ आलू लिए थे, उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाले हैं, 2 हरी मिर्ची, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डाले हैं, इससे अच्छे टेस्ट आएंगे। इसमें भी हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड कि हम घोल में भी नमक डाले हैं, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाले हैं, इससे एकदम चटपटा टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, एकदम चटपटा आलू का मसाला तैयार हो जाएगा फ्रेंड। आप चम्मच से या हाथ से भी मिला सकते हैं फ्रेंड। ये गूथा हुआ आटा है, गूथे हुए आटे से हम इस नाश्ता को बनाकर तैयार करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आप गूथे हुए आटा से बनाएं, आप गूथ कर भी आटा बना सकते हैं, लेकिन हम सुबह में नाश्ता के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूँधे थे तो ज़्यादा गूँध लिए थे तो उसमें से बच गया था फ्रेंड। तो उसी से हम शाम के टाइम पर कुछ चटपटा नाश्ता बना रहे हैं बच्चों के कहने पर। तो इस तरीके से बड़े साइज़ के लोई कर लेना है, रोटी से बड़े साइज़ का लोई बनाना है फ्रेंड। सूखा आटा लगा लेना है और बेल लेना है, एकदम बड़े साइज़ का रोटी बेलकर तैयार करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सूखा आटा लगा लेने के बाद झटपट बेलकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। और इसका थिकनेस एकदम रोटी के जैसा ही रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड एकदम बड़े साइज़ का रोटी बेलकर तैयार कर लिए हैं। तो ये हम एक ढक्कन लिए हैं टिफ़न का, उससे हम काट लेंगे इस तरीके से गोल गोल शेप में। तो एक बार में 2-3 बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम ये नाश्ता क्रिस्पी चटपटा बनकर तैयार होगा। इसके सामने आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी सारे भूल जाएंगे फ्रेंड। और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा हेल्दी भी है। तो हम आलू वाला चटपटा मसाला लेंगे और इस तरीके से बीच में रख लेंगे पूरी के बीच में, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
एंड हम इसी तरह से हम तीनों पूड़ी में आलू वाले मसाले डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और आपस में चिपका देंगे। ज़्यादा अच्छा से चिपकाना नहीं है, क्योंकि अभी हम जो घोल तैयार किए हैं उसमें हम इसको कोटिंग करेंगे तलते समय। आप देख सकते हैं इस तरीके से मोड़ लेना है इस नाश्ते को। एकदम झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड, और बच्चे तो बहुत खुश होकर खाएंगे। अगर मेहमान को भी खिलाएंगे तो वे भी आपके तारीफ़ों के फूल बरसाएंगे इस नाश्ते को खाने के बाद। तो इस तरह से हम इतने सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की ओर तलने के लिए। तो इधर हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इधर नाश्ता को लेना है और इस तरीके से घोल में डुबोना है और कांटे वाले चम्मच की सहायता से उठा उठा कर गरम तेल में डालते जाना है फ्रेंड। मीडियम फ्लेम में ही तलना है तेल को, अच्छी तरह से गरम होने के बाद। ना ज़्यादा फ्लेम को लो रखना है और ना ही ज़्यादा हाई रखना है। ये नाश्ता एकदम झटपट बनकर तैयार होता है फ्रेंड। तो जितना कढ़ाई में स्पेस है उतना एक बार में नाश्ते को डाल देना है, और डालते ही तुरंत नहीं छेड़ना है इस नाश्ते को। दो तीन मिनट तक एक तरफ से सिकने देना है, उसके बाद पलट देना है। तो 3 मिनट हो गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आ गए हैं हमारे नाश्ते में। तो अलटते पलटते हुए दोनों साइड से 4 से 5 मिनट में क्रिस्पी होने तक नाश्ता को पका लेना है। उसके बाद छन्नी की सहायता से निकालकर दूसरे छन्नी में रखना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें वो सारे निकल आएगा फ्रेंड। आप चाहे तो इसे निकाल कर कोई पेपर में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं सोखा है फ्रेंड, एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। चटपटा गरम गेहूं के आटे और आलू की चटपटा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है। तो सर्व कर लिए हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है ये नाश्ता हमारा। तो आप इस नाश्ते को बच्चे का टिफ़न हो या जब भी कोई मेहमान घर पे आए तो इस नाश्ते को आप झटपट बना सकते हैं, या चाय के साथ भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को झटपट बना सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये नाश्ता की रेसिपी पसंद आया होगा। तो हम आपको एक तोड़कर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, वो भी गेहूँ के आटे का हेल्दी कुरकुरा नाश्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।